मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद प्रदेश भर में एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन शाजापुर जिले के शुजालपुर में जिम्मेदारों के द्वारा ही एंटी अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसके कारण चोरी हत्या जैसे कई गंभीर अपराधों के माफियाओं के द्वारा पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहे हैं। इसको देखते हुए खबर मध्य प्रदेश की टीम ने इस मामले को गंभीरता से लिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान स्वयं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर चलाया जा रहा है, लेकिन शाजापुर जिले के शुजालपुर में अभी यह अभियान शायद नहीं आया और आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा, उसकी एक प्रमुख वजह है, यहाँ पर जो इस वाहन में सवार होने वाले अधिकारी हैं वो ज़्यादातर समय अपनी कुर्सी तोड़ने में ही लगाते हैं। हमारा विरोध पुलिस से नहीं है, हमारी अपेक्षा खबर मध्य प्रदेश के उन दर्शकों से है जो खबर मध्य प्रदेश के दर्शक दबे पांव आकर कहते हैं कि आखिर शुजालपुर में एंटी माफिया अभियान क्यों नहीं चला जा रहा, क्या शुजालपुर में किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं होता, क्या शुजालपुर में कोई भू माफिया नहीं है, क्या शुजालपुर में 20 सड़क पर अतिक्रमण करने वाला माफिया नहीं है, क्या शुजालपुर में इक्का मिंडी का खेल नहीं होता, क्या शुजालपुर में अवैध रूप से शराब नहीं बेची जाती, क्या शुजालपुर में एक बड़े तस्कर निवास नहीं करते। हम कह रहे हैं सब कुछ होता है यहाँ पर पुलिस की नज़र बंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं खानापूर्ति, कहीं ना कहीं कुछ लेन देन का इशारा भी सरेआम देखने को मिलता है। खबर मध्य प्रदेश, दीपक सक्सेना, शुजालपुर।